ठीक है, तो असल में ये लॉटर की अपनी बहुत बड़ी बड़ी डिटेल है यहाँ पे, लेकिन हम इनकी डिटेल में नहीं जा रहे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सिस्टम प्रोग्राम्स है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कौन कौन सी हमें फैसिलिटी दे रहा है। तो प्रोग्राम को लोड करने और उसको एग्जीक्यूट करने की हमें फैसिलिटी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है। ठीक है, अगर हम इनको डिटेल में ले जाएंगे तो फिर वो यहीं भी खत्म हो जाएगा। असल में इनकी डिटेल यहाँ पे चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो प्रोग्राम की सिर्फ लोडिंग और एग्जीक्यूशन के लिए जो है ये हमें हेल्प आउट कर रहे हैं। बाकी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के अंदर क्या है कि आप प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेट होना है, या यूजर्स के दरमियान, या सिस्टम्स के दरमियान, या प्रोसेसेस और यूजर, या प्रोसेसेस और सिस्टम, मीन जिसके भी दरमियान कम्युनिकेशन होना है उसके लिए ये सिस्टम प्रोग्राम क्या करते हैं, एक वर्चुअल कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश कर देते हैं जिसके थ्रू जो कम्युनिकेट होता है। फिर जब ये कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, जब ये कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है तो उस कनेक्शन को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अब जैसे देखें हमारी ईमेल्स वगैरह, वो क्या है, हम यूजर है और एक प्रोसेस हमारा ईमेल या हुई जो भी चाह रहा होता है उसके साथ वो हमारा कनेक्शन होता है। ठीक है, तो वो भी हमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही वहां पे भी फैसिलिटेट कर रहा होता है। कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो फिर तो कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद ही कोई एक्शन हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी भी हमें क्या है, ये सिस्टम प्रोग्राम ही दे रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। बैकग्राउंड सर्विसेज के अंदर हमारे पास आ जाते हैं, इनको हम डायमंड्स कहते हैं। ठीक है, सर्विसेज भी कह ले, सब सिस्टम भी कह ले, लेकिन इनका जो प्रॉपर नेम है वो है डायमंड्स। ये डायमंड्स ऐसे हमारे ऐसी सिस्टम सर्विसेज होती हैं, या फिर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम के बैकएंड पे ऑल द टाइम एक्टिव रहते हैं। ठीक है, हमारे स्क्रीन के ऊपर कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा, हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, इवन कि हमारी स्क्रीन स्क्रीन जो है ब्लैंक हो जाती है कुछ टाइम हम लैपटॉप पर रखते हैं। ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन बैकएंड पे ये जो डायमंड्स होते हैं ये चलते ही रहते हैं। ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जब भी हम माउस पे क्लिक करते हैं या ड्रैग करते हैं हमारी स्क्रीन एक्टिव होती है, तो जो भी हम एक्शन करने के लिए कहते हैं ये उसकी परफॉर्मेंस के लिए जो है वो परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन ये किसी टाइम पे भी जो है वो एंड नहीं होते, हर टाइम चलते रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, अब बैकग्राउंड सर्विसेज लॉन्च एट बूट टाइम, बूटिंग टाइम पे ये जो है वो लॉन्च हो जाते हैं हमारे डायमंड सर्विसेज। सम फॉर द सिस्टम स्टार्टअप एंड सम फॉर द टर्मिनेशन। ठीक है, इनमें से जो है वो कुछ स्टार्टिंग के लिए होते हैं, कुछ जो है टर्मिनेशन के लिए होते हैं, लेकिन ये ऑल द टाइम जो है वो सिस्टम के अंदर एक्टिव रहते हैं। ठीक है, सम फॉर द सिस्टम बूट टू शट डाउन, कुछ जो है वो बूटिंग से लेके शट डाउन तक हमेशा के लिए रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। जब हम सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं तब तक वो रहते हैं। ठीक है, और फिर शट डाउन करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। फिर जब नया बूट करते हैं तो बूटिंग टाइम पे वो नए वाले डायमंड्स जो है एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो वहां पे रहते हैं। ठीक है, प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक डिस्क चेकिंग, प्रोसेस स्केजुलिंग। ठीक है, आपकी डिस्क की चेकिंग करने के लिए या प्रोसेस को स्केजुअल करने के लिए किस टाइम पे कौन से प्रोसेस को जो है वो सीपीयू असाइन करना है, एरर की लॉगिंग क्लासिफिकेशन। ठीक है, एरर की लॉगिंग जो है ये क्लासिफिकेशन टर्म इसलिए लिखी है ताकि याद रहे यहाँ पे कि आपके सिस्टम के ऊपर एरर जो है वो डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं, ये देखने के लिए कि ये एरर किस चीज का है, डिवाइसेस के लिए है, कोई ट्रैप सॉफ्टवेयर की वजह से, हार्डवेयर की। तो उन एरर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है ये भी डायमंड्स का काम है। ठीक है, बैकएंड पे ये सारे जो कहते हैं ना मीसने काम, ये वो करता रहता है बैठ के। ठीक है, आगे नजर नहीं आ रहा होता लेकिन बैकएंड पे ये सारे वो वाले काम करता रहता है। तो ये हमारी बैकग्राउंड सर्विसेज होगी सिस्टम प्रोग्राम की। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम ये जो हमारे छोटे मोटे सॉफ्टवेयर होते हैं पावर पॉइंट वगैरह उनको भी फैसिलिटेट करता है, रन बाय यूजर। ठीक है, ये सिस्टम के अंदर नहीं होते क्योंकि ये हम लोग खुद से अपने इंस्टॉल करके उसको यूज करते हैं। तो रन बाय सिस्टम, नॉट टिपिकली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं होता, ये हम लोग खुद एक्स्ट्रा में बाहर से इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, लॉन्च बाय कमांड लाइन, माउस क्लिक और कुछ भी। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना, जब भी कोई इंस्टॉल करना होता है तो उसको जो है कमांड लाइन पे या तो कमांड लिख के कर लेते हैं या फिर उसको डबल क्लिक करके उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, या टच स्क्रीन है तो फिंगर के थ्रू कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये बताया हुआ है। ठीक है, और अच्छा ये हमारे पास होगी सिस्टम प्रोग्राम्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर आ गए हमारे पास। मैं मान इतना काफी नहीं है। हाँ,
मैम बैकग्राउंड सर्विसेज में हमारे पास हो जाती है लॉगिन, हम फेसबुक वगैरह करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो जो लॉगिन में टाइम लग रहा होता है वो भी बैकग्राउंड सर्विसेज हमारी होगी। मुझे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोले। क्या था? मैम फेसबुक मैंने पे कहा हम कि जी बैकग्राउंड सर्विसेज में हमारी वो भी सर्विसेज आ जाती हैं, फेसबुक जब लॉगिन करते हैं या व्हाट्सएप लॉगिन करते हैं, जो टाइम हमारा लग रहा होता है लॉगिन करने में, नहीं, तो वो जो वो हमारे टाइम लग रहा होता है बैकग्राउंड। ना, नहीं जो लॉगिन करने के लिए टाइम लग रहा होता है वो तो ये है कि हमारी ऑथेंटिकेशन हो रही होती है। हम फेसबुक पे अपना नंबर या आईडी डालते हैं, साथ में पासवर्ड डालते हैं, तो वो जो टाइम लगता है ना, वो असल में जो फेसबुक के ऑनर के पास डेटाबेस होती है वहां पे हमारा पासवर्ड और हमारी आईडी मैच हो रही होती है। जब वो मैच हो जाती है तो होती है, ठीक है, लेकिन वो डायमंड्स का काम नहीं होता, वो मैचिंग का काम होता है, वो हमारी ऑथेंटिकेशन हो रही होती है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम के अंदर बैकएंड पे चलते रहते हैं ना ऑल द टाइम, वो सारे जो है वो डायमंड्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे आपने कहा कि सिस्टम को स्टार्ट करते हुए ये वो वाला जो टाइम होता है वो बूटिंग टाइम के अंदर आ जाता है, ठीक है, सिस्टम को बूट करने के अंदर टाइम आ जाता है। बूटिंग टाइम अलग है कि वो टाइम लगता है हमारे सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन डायमंड वो है जो स्टार्टिंग के बाद इनिशियलाइज होते हैं और एंड तक जो है पीछे एक्टिव रहते हैं। ओके थैंक यू। यस मैम। अच्छा काफी है या आगे पढ़ लें थोड़ा सा? मैम बहुत है तो पढ़ पढ़ लेते हैं अभी बता दे, मैम, समझ आ काफी है। यस जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, मैम काफी। समझ थर्टी तो आ थ्री साइड्स से कितने पढ़ लिए हैं? 19 पढ़ ली है। बाकी कल पढ़ लेंगे, इसमें काफी चीजें हैं पढ़ने के लिए, अभी अच्छा तो चलो पकड़ ठीक नहीं है, होगी। जितना आप यस लोग डाइजेस्ट कर सके उतना पढ़ा दूंगी, ठीक है, इतना ही मैम। ठीक मैम है। बाकी वो स्लाइड्स भेज दीजिएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, मल्टीमीडिया की और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की। अच्छा चलो ठीक है, ये मैं अभी भेज देती हूँ आपको। यस मैम और मेल कर दीजिए। बाकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अभी लगा दूंगी अपलोडिंग पे, वहां पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, उसका लिंक मैं आप लोगों को कल शेयर कर दूंगी, ठीक है। कल आपकी कौन सी क्लास है मेरे ओके ओके। साथ? कल आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास है, यस मैम मेरे मैं को देख के काफी, बताता हूँ मिलना। जरा देख के बताएं कौन सी। ओके मैम। मैम कल ऑपरेटिंग सिस्टम की है 10 बजे। 10 बजे वो तो सात ऑपरेटिंग बजे होगी ना सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम 7 बजे मैम पढ़ते हैं। नहीं, कल जो वो शेड्यूल है वो 10 बजे है। नहीं, ये वाली जो है ना, ये एक्स्ट्रा वाली क्लास है 7 बजे वाली, और वो जो टाइम टेबल वाली है वो तो असल वाली क्लास है, उसको तो लेना ही है। 10 बजे है। थर्सडे वाले दिन भी 10 बजे और फ्राइडे वाले दिन भी 10 बजे है। अच्छा, उसके अलावा कल और कोई क्लास नहीं है आपकी मेरे साथ? नहीं है। नो मैम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 9 बजे भी हमारी नहीं क्लास है। नहीं है कल, नहीं है कल। ले लें अगर एक्स्ट्रा में लेनी है तो। ले ले मैम। कल पहला लेक्चर नेटवर्किंग का है, दूसरा आपका है और इसके बाद लास्ट भी नेटवर्किंग का है। और 11:30, अच्छा वहां पे मेरा लेक्चर है 11:30 बजे। अच्छा चले कल यस ठीक है, मैम। इवनिंग में पढ़ लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम ना पढ़ना हो तो कुछ और पढ़ लेंगे, तीनों सब्जेक्ट अपने जिसमें जो दिल करेगा वो पढ़ लेंगे, ठीक ठीक है है, मैम। ठीक है, चले ठीक है। चलिए ठीक। लड़कियां ड्रामा देखें और आप लोग मैम भी रेस्ट करें। मैम ये आतिफ लास्ट 15 मिनट में आया, इसके अटेंडेंस होनी है। अच्छा चले लगा दें, यार आ तो गया रणवीर ना, नहीं लगा लगा। दें। यार ठीक है, यार आप नहीं लगाना ठीक